आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये सवाल क्या बोल रहा है? XeF6 dissolves in anhydrous hydrogen fluoride to give a good conducting solution. तो देखिए दोस्तों, कंडक्टिंग सोल्यूशन क्यों आता है, क्योंकि पहले मेरे यहाँ पे मेरे को क्या मिलते हैं, डिफरेंट आयन्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में देखिए, HF की प्रेजेंस में जो है फ्लोरीन और हाइड्रोजन के भी अगर मैं बात करूँ तो फ्लोरीन की अफिनिटी जो है वो हाइड्रोजन के लिए बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो HF की प्रेजेंस में मेरा XeF6 जो है ना, वो XeF6 जो है मेरा वो फ्लोराइड डोनर की तरह काम करता है, फ्लोरीन डोनर की तरह काम करता है। देखिए XeF5+ है, ठीक है ना, इसने जो है फ्लोरीन डोनेट जो किया, फ्लोराइड डोनर की तरह काम करेगा पहले तो, और जो फ्लोराइड इसने डोनेट किया वो HF के साथ इस तरह कंबाइन करता है, HF2-। अब मैं HF2- की बात कर रहा हूं, अगर देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो मेरा ये क्या होता है, ये मेरा होता है यहाँ पे देखिए 3 center 4 electron bond, ठीक है, 3 center और 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, टोटल ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 3 center 4 electron बॉन्ड की तरह मेरा ये HF2 एग्जिस्ट करता है, इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये मेरा HF2 का जो HF2- का स्ट्रक्चर है इस तरह हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे XeF6 जो है वो कैसे आयन्स में टूट रहा है, देखिए फ्लोराइड इसने डोनेट किया तो ये XeF5+ हो गया, और यहाँ पे जो है बनता है मेरा क्या, HF2-, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से आयन्स बने मेरे, HF2- एंड XeF5+, ठीक है ना। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।